खबर दो टूक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर, ज्योति प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कल या आज सस्पेंड हो सकते हैं मनीष दुबे, निलंबन के साथ विभागीय जांच भी होगी। डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने शासन को रिपोर्ट सौंपी, कमांडेंट मनीष दुबे को निलंबन करने की सिफारिश भी की थी। रिपोर्ट पे केस दर्ज कर जांच की सिफारिश की गई है और खबर यह है कि कल या आज कभी भी सस्पेंड हो सकते हैं मनीष दुबे, क्योंकि जांच जो है वो की गई है, रिपोर्ट सौंपी गई है और उसके बाद सस्पेंशन की कार्रवाई की बात कही गई थी। और ऐसे में बड़ी खबर ये आ रही है कि कल या आज मनीष दुबे को सस्पेंड किया जा सकता है, साथ ही विभागीय जांच भी होगी। डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने शासन को रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में ये कहा कि सस्पेंड की बात कही है, सिफारिश की है। देखिए, इस संबंध में शासन से भी निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसमें जांच करके आख्या दी जाए। तो इस प्रकरण में क्योंकि हमारा एक कमांडेंट की इन्वॉल्वमेंट थी, इसलिए हमने प्रयागराज परिक्षेत्र के डीआईजी होमगार्ड संतोष कुमार को जांच सौंपी थी। उन्होंने प्रारंभिक जांच करके जो आरोप लगाए गए थे उस पर मटेरियल एविडेंस इकट्ठा करके उन्होंने भेजा है और इस आधार पे हमने शासन को विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। विभागीय कार्रवाई गंभीर आरोपों में, इसलिए ये भी संस्तुति की है कि इनको निलंबित करते हुए, श्री मनीष दुबे को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्तुत कर दी जाए। साथ में रिकमेंड, हाँ, कुछ प्रकरण ऐसे थे जिसमें कि होमगार्ड विभाग कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि वो पुलिस से संबंधित प्रकरण है, ऐसा चैट में आया है, या ऐसा हमारे एक महिला होमगार्ड ने सेक्सुअल एडवांसमेंट की शिकायत की है जिसको कि प्रथम दृष्टया इसमें सही पाए गए हैं, तो उसके लिए पुलिस कार्रवाई भी किए जाने की आवश्यकता, उसकी भी रिकमेंडेशन की गई। जी, रिकमेंडेशन के बाद अब जो विभागीय कार्रवाई होगी, क्या उस दरमियान या उसको कंप्लीट होने के बाद निलंबन की कार्रवाई करी जाएगी या अभी से प्रिलिमिनरी जांच के बाद ही उनको निलंबन का नोटिस वगैरह सर्व किया जाएगा? देखिए, ये शासन का निर्णय होता है, हम केवल संस्तुति करते हैं। तो विभागीय कार्रवाई जब भी होती है, गंभीर आरोपों में विभागीय कार्रवाई होती है, तो ये कहा ही जाता है कि फिर किसी को गंभीर आरोपों में जब विभागीय कार्रवाई होती है तो सस्पेंशन के साथ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाती है। शासन इसमें जो निर्णय लेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी किसके द्वारा शिकायत पत्र दिए जिसके आधार पर कार्रवाई भी, क्या कोई पुराना मामला भी था जिसके आधार पर ये कार्रवाई की बात हुई है? देखिए, आरोप जो लगाए गए हैं उसमें जितने भी जिन बिंदुओं पर आरोप लगाए गए हैं उन सारे बिंदुवार आख्या प्रस्तुत की गई है और उसमें जितने भी जो भी प्रकरण आए हैं जहां पर कि प्रथम दृष्टया पाया गया कि इसमें जांच की आवश्यकता है, विस्तृत जांच की आवश्यकता है, उसी अनुसार विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई। आलोक मौर्य द्वारा जो शिकायत करी गई है, क्या उसमें कोई ऐसे फैक्ट्स या कोई ऐसे मटेरियल भी दिए गए हैं जिनको ग्राउंड बनाया गया है? क्योंकि उन्होंने धमकी की भी बात कही थी, जान से मारने का एक उन्होंने आरोप भी लगाया था, क्या उसके उससे रिलेटेड या कुछ चैट्स वगैरह की कॉपी? देखिए, चैट्स की कॉपी किया गया है और चैट को भी जो जांच अधिकारी है उसने व्यक्तिगत रूप से स्वयं देखा भी है, तो जो उसी आधार पे ही कार्रवाई की संस्तुति की गई है। आपको मैं जरूर कहना चाहूँगा कि चैट कितना वास्तविक है कितना नहीं वास्तविक है इसका आकलन होमगार्ड मुख्यालय या होमगार्ड विभाग के जांच अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो चैट में जो बातें आई हैं उसका विभागीय जांच या पुलिस की जांच की आवश्यकता उसमें पड़ेगी। उसी अनुसार हमने संस्तुति की है कि बाकी यदि कोई उसको रिफ्यूट करता है, उसके अगेंस्ट कहता है, तो उसको अपना एविडेंस देना पड़ेगा। तो जो विभागीय कार्रवाई करेगा अफसर पीठासीन अधिकारी, वो अपने सामने सारी चीज़ों को देखते हुए फिर निर्णय लेगा, उसी पर फाइनल कार्रवाई होती है। अभी जो है बहुत ही इनिशियल स्टेज है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कहा जाता है इसको, तो इसके लिए आज के डेट में किसी भी कंक्लूजन पहुँचना ना हम पहुँच सकते हैं, ना किसी को कंक्लूजन पहुँचना चाहिए। तो क्या इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में क्या कोई पुराना प्रकरण भी मनीष दुबे से रिलेटेड, क्योंकि एक और ग्राउंड बनाया गया, कौन सा वो प्रकरण था? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि जो भी आरोप लगाए गए थे उसमें बिंदुवार विस्तृत जांच है। अमरोहा का प्रकरण है, उसमें हमारी एक महिला होमगार्ड की शिकायत है उस पर भी विस्तृत जाँच की गई है, वो भी एक विभागीय कार्रवाई का पार्ट बनेगा।
क्या इस दरमियान जो जांच हुई है इसमें मनीष दुबे खुद प्रेजेंट हुए थे, उनके बयान आ गए हैं? मनीष दुबे खुद प्रेजेंट होकर बयान दिया उन्होंने। ज्योति मौर्या से भी बयान इसमें, उनसे भी शायद बयान के लिए हमारे कहा गया था, लेकिन उनको लिखित बयान प्रस्तुत किया। मतलब आप ये शासन को सौंप दी गई और आपकी रिकमेंडेशन इसमें तेलंगाना और पुलिस कार्रवाई की है? हमारी रिकमेंडेशन विभागीय कार्रवाई की है। विभागीय कार्रवाई गंभीर आरोपों में होती है तो उसमें निलंबन होता है, तो निलंबन की भी संस्तुति है और साथ में जो और विशाल हमारे साथ उस खबर पर जुड़ चुके हैं। विशाल, अभी तक हमने सुना अभी पूरे मामला जो है विभागीय कार्रवाई लगातार जारी है, हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि ये इनिशियल स्टेज है और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है और जैसे जांच पूरी होगी तो जाहिर सी बात है बड़ी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार मनीष दुबे को आज शाम तक या कल सुबह तक जो है सस्पेंड किया जा सकता है। इसके साथ साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, मतलब साफ है कि मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं और अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई जो है आज शाम तक होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। अगर आज शाम तक कागज नहीं आता है तो कल सुबह सुबह ये कागज आ जाएगा, मतलब साफ है कि अगले जो है 24 घंटे के अंदर अंदर मनीष दुबे पर को जो है निलंबित किया जाएगा, उसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद बर्खास्ती तक की कार्रवाई जो है वो उसमें जो है आगे की जा सकती है। तो फिलहाल जो डीजी हैं ओंकार, उनकी तरफ से बकायदा सूची भेज दी गई है शासन पे, चूंकि इसका जो निर्णय होता है वो गृह विभाग लेता है, पुलिस के अंतर्गत ये होमगार्ड विभाग आता है, तो ऐसे में सीधे जो है निलंबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शाम तक इस पूरे मामले में जो लेटर है वो आ जाएगा और यही वजह है कि मनीष दुबे जो है वो शाम तक निलंबित होना बिल्कुल तय माना जा रहा है और बिल्कुल पुख्ता जानकारी है कि जो निलंबन की जो फाइल है वो तैयार हो चुकी है और बस उसको उसका आदेश जो है वो जारी होने वाला है और विभागीय कार्रवाई भी जो है वो भी मनीष दुबे के खिलाफ की जाएगी। जो पुराने प्रकरण है उनके उनको भी जो है संज्ञान में रखा गया है। इसके साथ साथ जो ऑडियो आलोक मौर्य ने उपलब्ध कराए थे उनको भी संज्ञान में रखा गया है और अब मनीष दुबे के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक रही है और अगले 3 से 4 घंटे में यह बताया जा रहा है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, अगले 3 से 4 घंटे में ही हो सकता है कि आदेश जो है वो जारी कर दिए जाए। बिल्कुल बने रहिए विशाल, क्योंकि आगे भी और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर यही है कि आज शाम तक या कल सुबह तक मनीष दुबे सस्पेंड हो सकते हैं, कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बड़ी